आज पहली बार हालांकि हम बना रहे हैं बिना लहसुन प्याज का, तो चलिए कोई बात नहीं। ऐसे मेरे हाथ से खाती नहीं है जल्दी, क्योंकि मेरे हाथ से ज़्यादातर चिकन मटन वगैरह ज़्यादा बनता है, आदि लहसुन वगैरह। तो आज खिलाया जाए सुबह? हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों अभी दशहरा में हम घर पर आए हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि का। बहुत से ऐसे हम लोग गाड़ी वाले हैं, ड्राइवर जितने भी हैं, सब चाहते हैं कि घर पर रहें, त्यौहार मनाएं फैमिली बच्चे के साथ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फंस जाते हैं रास्ते में, तो नहीं आ पाते हैं, समय पर खाली नहीं हुआ, लोड नहीं हुआ। तो कई हमारे ड्राइवर भाई अभी रास्ते में भी होंगे, नहीं पहुँच पाए होंगे। हम तो आ गए घर पर और अपने बच्चों के साथ में इस साल हम सारा फैमिली साथ में घूमने वाले हैं दशहरा, और दशहरा के बाद फिर हम निकल जाएंगे गाड़ी लेकर के अपना। तो अभी हम घर पर हैं, तो कुछ स्पेशल बनाने के लिए खाने के लिए सोच रहे हैं। तो सुबह हम साथ में तो यही बताएंगे क्या बनने वाला है, क्या बनेगा आज हम लोग को? बनेगा पालक पनीर। अच्छा पालक पनीर, तो दिखा दो कहाँ पालक है कहाँ पनीर है, दिखाओ कि दिखा। ये घर पर रहता नहीं, इसको पता भी नहीं रहता है कहाँ पालक है कहाँ पनीर है, दिखाओ। पनीर अंडा ही पनीर पालक पालक कहाँ है? पालक उधर कटोरी उटरी में, देखो उधर है। हाँ तो ये देखिए, धनिया पत्ता की चटनी, धनिया पत्ता बोल रहा है। ये पालक पिसा हुआ है, मिक्सर में पिसा हुआ है। पालक लाए थे उसे एक केजी लेकर आए थे, लेकिन सब छांट छूट के सब निकलने के बाद इतना पीस उसका बचा हुआ है। तो चलिए पनीर भी है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे घर पे अभी नवरात्रा लेकर के लादी लहसुन वगैरह सब बंद है अभी, तो हम लोग ऐसे बिना लहसुन प्याज का ही बनाने वाले हैं और देखते हैं कैसा बनता है। क्योंकि बिना लहसुन प्याज का तो हम बनाए नहीं है सब्जी वगैरह कभी, तो घर पर है तो बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मिस्टेक हो गया, और भी था, सुबह दिखा नहीं पाया तो इसको समझ लिया चटनी है, इसको पालक है, नहीं दोनों एक ही है। देखिए वही तो हम भी सोचते, एक किलो में इतना कम कैसे हो जाएगा, चलिए बहुत है इतना, अभी बनाया जाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर का सब्जी। ऐसे मेरे हाथ से खाती नहीं है जल्दी, क्योंकि मेरे हाथ से ज़्यादातर चिकन मटन वगैरह ज़्यादा बनता है, आदि लहसुन वगैरह, तो उसके लेकर के थोड़ा सा ये अपने सादा जो सब्जी बनाती है वही खाती है। तो आज खिलाया जाए सुबह? हाँ, आज बिना लहसुन प्याज का बन रहा तो खा लेंगे हम, काहे हम 9 दिन लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो ऐसे तो हम लोग सारा ही घर में जो खाना बनता है वो बिना लहसुन प्याज का ही बनता है, तो खाते ही हम लोग। ऐसे हम बाहर में रहते हैं तो होटल वगैरह में तो लहसुन प्याज तो मिल ही जाता है, अब घर पर है तो पालना हम लोग पालते हैं इस चीज़ को। तो आज घर पे भी हम लोग नहीं बना रहे हैं, तो सारा चीज़ में धो के रेडी है देखिए। और एक चीज़ और भी है कि पनीर जो है, जैसे हम तल के निकालते थे पहले, तो आज शुभम का डिमांड है कि तला नहीं जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद दिखना चाहिए, हरा में सफ़ेद सफ़ेद पनीर दिखना चाहिए। तो बिना तले हुए आज बनाने वाले हैं, तो चलते हैं। हमारा सारा चीज़ रेडी है, देखिए कढ़ाई वगैरह धोआ के रेडी है, आप चलो गैस जलाते हैं। दोस्तों मेरा तेल गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये अभी हम इसको जीरा है, तेजपत्ता, सूखा मिर्चा और ये थोड़ा हरा मिर्चा, इसी सबसे अजीब बनेगा मेरा, अब इसी से मेरा सब्जी बनने वाला है। और कुछ वैरायटी नहीं डलेगा इसमें, टमाटर डलेगा, टमाटर भी है। आज पहली बार हालांकि हम बना रहे हैं बिना लहसुन प्याज का, तो चलिए कोई बात नहीं, आज खा के भी देखते हैं कैसा लगता है। टमाटर मेरा इधर कटा हुआ है, ये मेरा टमाटर भी कटा हुआ है, अब टमाटर भी डाल देते हैं। थोड़ा टमाटर को गलने देते हैं, अभी टमाटर थोड़ा गल जाएगा उसके बाद ही इसमें कुछ फिर डायरेक्ट इसमें पालक को ही डालेंगे। टमाटर मेरा पूरा गल चुका है, ये देखिए पूरा पक गया टमाटर। अब इसमें हम पहले पनीर को डालते हैं, पनीर को डालेंगे तो हल्का फुल्का लगेगा तेल, इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। ये देखिए पनीर को काट के रख लिया अच्छी तरह धोधा के, दो ना कोई कटोरा निकाल दो ना, दोस्तों यहाँ तक तो मेरा काम हो गया, सारा चीज़ हो गया रेडी। अब मसाला देखिए इधर तैयार हो रहा है, अब कौन सा डब्बा में क्या क्या मसाला हमको पता नहीं है, इन्हीं को सब पता है क्या क्या मसाला है, ये सब मसाला भी डालने वाले हैं।
हल्के डलेगा, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए मसाला थोड़ा सा इसमें डाल के चलाते हैं अभी। ये देखिए मिला दिए, पानी वगैरह डाले नहीं है, ऐसे तो पनीर में ही थोड़ा बहुत पानी रहता ही है। अभी नमक डाल, नमक इसके साथ में गया था, थोड़ा बहुत पानी जो है वो भी छोड़ने लगता है, देखिए पानी छोड़ रहा है अभी, इसी में भून लेते हैं। पनीर मेरा हो चुका है अच्छी तरह से, मसाला वगैरह सब सूख गया है, पानी जो छोड़ा था वो भी सूख गया। अब इसका लास्ट आइटम जा रहा है पालक। ये पालक, हालांकि गाड़ी में हम लोग बनाते हैं तो गिलास से हम लोग कुछ लेते हैं तो इतना बारीक नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि मिल गया मिक्सर तो उसमें तो हो जा रहा है। गाड़ी में जब भी बनाए हम लोग ऐसे ही गर्म कर देते हैं, उसके बाद गिलास से थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा इसमें, तब आएगा इसका। निकालो इसका लास्ट का भी जो बचा हुआ था, धोधा के भी आ गया है। ये देखिए ये भी सूख रहा है, इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ता है, काहे कि पहले ही एक बार खोला चुके ना, तो पालक जो पहले ही पक चुका है। ये देखिए थोड़ा बहुत बचा हुआ है पालक, अलग ही इस बार सही हुआ है, पालक के हिसाब से पनीर भी सही है, दोनों बराबर ही दिख रहा है, ना ज़्यादा ना कम। हम जानबूझकर आकर डाल रहे हैं, तेल डालेंगे तो इतना तेल डाल देंगे, अरे कम अभी तेल खाना है, इसलिए हम तेल कम डाल के खाना है, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा तेल डाल देते हैं। हम लोग बनाते हैं गाड़ी में बनाते हैं तो थोड़ा चटपटा, इसीलिए का तेल का आइडिया नहीं मिलता है, ये डल जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम जल, हालांकि पहले से कम कर दिए हैं, पहले से तेल बहुत, तेल मसाला बहुत कम कर दिए हैं। ये देखिए अभी मेरा ये होने ही वाला है, चलाते रहते हैं इसको, चलाने से क्या है कि पकड़ेगा नहीं नीचे, पूरा ही सुखा देंगे इसको। तो रोटी सब खाना है तो देखिए बन रह गया ही, लगभग मेरा हो ही गया है, देखिए बहुत जल्दी बन जाता है ये, कारण कि खैर पनीर तो खैर ऐसे ही, अभी लगता है सुबह सौरभ आ गया, सौरभ बाहर गया हुआ था तो वो भी आ चुका है अभी, और इधर क्या हुआ कि आज बारिश भी होने लगा है, और हम लोग को यही रहता है कि सबको दशहरा घूमना भी है और बारिश भी होने लगा आज, तो हर साल ऐसा होता है कि बारिश में फिर दिक्कत हो जाता है, घूमना फिरना भी लड़का लोगों को कैंसिल हो जाता है लगभग। दोस्तों लगभग मेरा बन ही चुका है ये अभी, और पूरा कम्प्लीट हुआ नहीं है, साफ सफाई अभी चालू हो गया है, देख सकते यही चीज़ होता है कि हमारा हाथ का कुछ होता है तो हम थोड़ा सा फैला हुआ फुर्ती काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये सब इनको पसंद नहीं है, ये अपना हल्का थुलुर मुलुर करके बस हो जाता है। और हम गाड़ी में हम आपसे अच्छे बनाते हैं, गाड़ी में हम जो बनाते हैं तो देखबे किए हैं, पूरा सामान रहता है छितरा हुआ, जो भी इधर से उठा लो उधर से उठा लो, घर पर बना दिए हैं। तो चला इसका लास्ट आइटम एक और चीज़ करने वाले हैं, वो भी करते हैं अभी। ये देखिए इसमें तेल, थोड़ा सूखा लाल मिर्चा डाल, थोड़ा गरम करते हैं, इसका लास्ट फिनिशिंग है ये, तेल कम ही यूज कर रहा है, देख सकते बहुत कम तेल है इसमें, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल दिए इसमें, थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसमें। ऐसे तो लास्ट में बहुत सा जगह घी डलाता है तो घी तो यहाँ होता नहीं है, हमारे घी मना है। दोस्तों खाना हमारा बन चुका है, अब जा रहे हैं हम लोग सब खाने के लिए, रोटी और क्या पालक पनीर। तो हम लोग जब सब्जी बना रहे थे उस समय सौरभ नहीं था, सौरभ आया बाद में, तो अभी आया खाना खाने के लिए, तो खा के बताओ कैसा लग रहा है, उस समय था नहीं कहीं बाहर गया हुआ था घूमने के लिए, अभी दशहरा चल रहा है ना, ठीक बना, तुम भी खा के देखो। हालांकि काफ़ी दिन बाद हम घर पे बनाए हैं पालक साग, और हम ही ज़्यादातर पालक वगैरह खाते हैं, साग का शौकीन हम ही है, ये लोग नहीं खाता है, लोग दूसरे चीज़ खाता है, आलू बैगन, आलू बैगन ये सब थोड़ा ज़्यादा ध्यान है, साग वगैरह पे थोड़ा सा हम ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं, भिंडी हो गया साग हो गया ये सब। तो शाम में थोड़ा सा बारिश हुआ यहाँ पर, और हम भी थोड़ा सा बाहर गए होते तो बारिश में हल्का सा लगा हमको भी बारिश हुआ, तो फिर आ गए थे फिर वापस, हालांकि बिजली वगैरह भी कड़क रहा था अच्छा, तो देखिए हमको लग रहा है कि पता नहीं कल ही बारिश होगा क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कल से मेला चालू होने वाला है, तो पूजा पाठ तो खैर चल ही रहा था एक से ही, लेकिन कल से हमारे यहाँ मेला चालू होने वाला है, सब घूमने भी जाने वाले हैं। और शुभम जो है कि थोड़ा ये इसको भीड़ भाड़ थोड़ा पसंद नहीं है, इसको और सागर को, सागर भी थोड़ा भीड़ भाड़ से दूरी रहता है ये लोग, और वो है कि थोड़ा घूमता फिरता है, तो देखते हैं जैसा होगा मौका, हम लोग आज घूमने वाले हैं, खाली बारिश ना हो बस, हम लोग फिर निकलेंगे सारा पूरा फैमिली निकलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है, तो कल तो रात में हम लोग अच्छा बनाए, खाना वाना सब खा कर सो गए थे,
तो अभी सुबह उठ के कल क्या हुआ, बहुत सफाई हुआ यहाँ पे हमारा, कि देखेंगे पहले बहुत सारा लकड़ी वगैरह था, ईंटा वगैरह था, मट्टी वगैरह, तो सबको सरियाया गया है कि यहाँ पर पेड़ भी लगना भी चालू होगा। पहले तो यहाँ मिट्टी गिराना पड़ेगा हमको, लाल मिट्टी आता वो गिरा के कंकड़ी मिट्टी गिराए थे जो ज़मीन को मजबूत करने के लिए, घर बनाने के लिए, तो वो तो हो गया कम्प्लीट। अब इस पर क्या कि लाल मिट्टी गिराएंगे, कुछ खाद वगैरह सब। तो आज सुबह सुबह हम उठ कर थोड़ा ये भी काम किए कि मिट्टी सबको ढीला भी किए, इसका जो पेड़ वगैरह मिट्टी था थोड़ा गिट्टी वगैरह भी चुन लिया, सब ढीला भी कर दिए मिट्टी, थोड़ा सा पेड़ उड़ में ऐसा होना चाहिए, मिट्टी को थोड़ा लूज करना चाहिए, क्योंकि अगर टाइट रहेगा ना तो फिर वो जड़ को फैलने नहीं देता है, गाछ को आगे बढ़ने नहीं देता है, तो ये सब चीज़ हमारा हुआ था। तो आज तो हमारा हम तो यहाँ पर तो खैर आज मौसम भी बहुत अच्छा है, कल तो बारिश हो गया था, तो आज लोगों का उम्मीद है कि आज मेला घूमने के लिए, तो आज से हमारा मेला चालू हो गया है यहाँ पे। तो आज सुबह सुबह सागर की मम्मी जो गई है पूजा करने के लिए, तो पूजा जो करके आएगी अभी, तो फिर अपना घर में सब काम शुरू हो जाएगा, और काम वगैरह सब कराते हैं, मिस्त्री वगैरह सब आ गया, ज़्यादा नहीं आज भर काम होगा हमारा, कि फिर यहाँ पर छुट्टी हो जाएगा। दोस्तों घर पर सुबह सुबह क्या है कि नहा धोने के बाद हमको सुबह सुबह यही सब अभी नाश्ता कर रहे हैं, अभी हम फल वगैरह है तो खीरा है, गाजर है, थोड़ा सेव है, तो यही सब सुबह सुबह नाश्ता करते हैं। दोस्तों अभी त्यौहार के बाद तो हम गाड़ी लेकर निकलने ही वाले हैं, और अभी हम सोच रहे हैं कि एक सफ़र हमारा होने वाला है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो कि 4112 किलोमीटर का ये सफ़र पड़ेगा, और बीच में कई स्टेट आएंगे, और हिंदुस्तान का सबसे लंबा मैंने GT रोड हाईवे वही है, सबसे लंबा रोड, तो 4112 किलोमीटर का हुआ है, तो उसमें भी हम सफ़र करने वाले हैं। अब प्लानिंग है कि मतलब उस टाइप का अगर माल मिल जाता है हमको तो माल ले करके और भरते हुए जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसे प्लानिंग चल रहा, देखते हैं आगे क्या होता है फिर। तो दोस्तों जैसा ये अपडेट रहेगा वैसा आपको आपको भी रिपोर्ट मिल जाएगा, आपको भी बताएंगे, और आप बहुत जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बारिश खत्म हो गया कि बारिश में थोड़ा तो दिक्कत होता है बाहर में, तो अब ये बारिश भी खत्म हो गया, अब ये सब भी दिक्कत नहीं, हम लोग बाहर कहीं भी निकल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय और जय हिंद।